जो बंदा इस नारे पे सीना तान के जेले बर्दाश्त कराया, सीना तान के मुकदमे, सीना तान के दुश्मनियां बर्दाश्त कराया, इस आस्थाना लिया बाबा जवाई शाह सरकार के आस्थाने पर पीर सैयद मोइनुल हक साहब के कदमों को हाथ लगा के धमके की चोट पे कह रहा है, जो हुजूर की खत्मे नबूवत पे सुस्त है वो हलाली नहीं हो सकता। ताजदारे खत्मे नबूवत, ओए कच के बोलो, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। ये हमारी पहचान है खत्मे नबूवत, ये हमारी शान है खत्मे नबूवत। कई पीर कई अलामा, कई नाथ खान, कई खतीब, कई नकीब, जो हुजूर की खत्मे नबूवत के बारे झीला है, तुम्हारे स्टेज पे बैठने के काबिल नहीं है, बहुत अच्छे, तुम्हारे स्टेज पे बैठने के काबिल नहीं। ये तुम्हारी हलाल की कमाई बेगैरतों के लिए नहीं है, ये तुम्हारी हलाल की कमाई बेगैरतों के लिए नहीं है, जो हुजूर का वफादार नहीं है, रब्बे काबा की कसम खिंजीर से भी बदतर है। जुमला सुनो जरा मेरा, इस जुमले की तस्वीर लगा रहा हूं, जो हुजूर का वफादार नहीं है, रब्बे काबा की कसम खिंजीर से भी बदतर है। और जो अहले बैत का बेअदब है, जो अहले बैत का बेअदब है, नाम ले तो चेहरा मुरझा जाए, नाम ले तो गर्दन इधर उधर करे, गर्दन नीचे झुकाए, चेहरे पे बल चढ़ाए, चेहरे पे कब्ज हो जाए, समझ लो उसकी माँ का किरदार मशकूक है, उसकी माँ का किरदार मशकूक है। जरा अगला जुमला भी ले लो, फकी है, अगला जुमला भी ले लो, फकी है। जब बात आए शाने सिहाबा की, जब बात आए खुलफाए राशिदीन की, बात आए हजरत अबू बकर सिद्दीक से लेकर हजरत अबू तुफैल तक, एक 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 सहाबी की, ते जड़ा चेहरे विंगे चिप्पे सिद्धे करे, ओ पीर नहीं जाए, ओ पीर जाए। इतने क्यों नहीं जे बोले, बोलो सुभान अल्लाह, ओए बोलो सुभान अल्लाह। मैं जुमला फिर दोहरा रहा हूं, हजरत अबू बकर सिद्दीक से लेकर हजरत अबू तुफैल अद्दौसी तक, जो किसी बंदे के जिक्र पे भी चेहरा बिगाड़े माल ना दे हो जे, वो पीर भी जन्नम से जाना जे ते माल भी जाना जे। ओके हो गया जी, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, गैरतमंदों की तरह ताजदारे खत्मे नबूवत, नाराए हैदरे। अगला नारा शाने से आबा कर लीए, शाने से आबा कर लीए, शाने से आबा कर लीए। मैं आ रहा हूं गोलड़े के बादशाह की कदमों में आ रहा हूं, एक आयत पढ़ के गोलड़े के बादशाह के कदमों में जा रहा हूं। कुरान है, वकुल्लु वादल्लाहुल हुस्ना, फरमा लोगो सुनो, वकुल्लु वादल्लाहुल हुस्ना, अकीदा समझो। मुझे पता है इस बात पे आप सुभान अल्लाह नहीं कहोगे, मुझे पहले पता नहीं कहोगे, मेरी बात समझो, मुझे पहले पता है, बड़ी माजरत नाल, जो अहबाब मुझे जानते हैं, मैनू ये भी पता है, देते पैसे भी नहीं दोगे, पक्की है ना जी, कौड़ी है जरा, सुनो जरा, वकुल्लु वादल्लाहुल हुस्ना, 2 मील 3 मील जहां तक तेरी नजर काम करती है। हुजूर जा रहे थे, एक बंदे ने देखा, देख कर कलमा पढ़ लिया, न गुसल किया, न उसकी सुन्नत हुई, न उसने हज किया, न उमरा किया, न तवाफ किया, कुछ ना किया, न जकात दी, बंदा मर गया।
सिहाबी बन गया, सिहाबी बन गया फकीर आजम करना, दो मील दूर से कलमा पढ़ के सिहाबी बन गया। कुरान कहता है कोई पीर जन्नत बेच जाए ना जाए, कोई मौलवी जाए ना जाए, वकुल्लू बाद अल्लाहुल हुस्ना, ओ दो मील दूर रह के चेहरा मुस्तफा देखने वाला कुरान कहता है जन्नत में जाएगा। कुरान कहता है जन्नत में जाएगा। ते हाथ ढिला रखो, हाथ ढिला रखो, पेज ढिले करा लो, ये बहुते टाइट हो गए ना तो ढिले करा लो। फरमाया वकुल वाद अल्लाहुल हुस्ना, मेरे नबी का हर सहाबी जन्नती है। ओ गोलड़े का बाबा बांह फड़ के बैठा, कौन है? सुभान अल्लाह। गोलड़े का बाबा बांह फड़ के बैठा, कहन लगा सोने जे फड़ लिया ना तो छड़ी ना, जे फड़ लिया तो छड़ी। चार शर्तें पीर की होती हैं, चार शर्तें, फांसी के मौलन ना हो, इलानिया गुनाह ना करता हो, सिलसिला हुजूर तक मुत्तसिल हो, अपनी ज़रूरत के मसाइल किताबों से निकाल सकता हो। ऐसे ही है ना जी, ऐसे ही। पहली शर्त क्या है जी? फांसी के मौलन ना हो। दूसरे नंबर पे जी, सिलसिला हुजूर तक जाता हो। तीसरी जी, मुनकता ना हो बीच में। तीसरी जी, अपनी ज़रूरत के मसाइल किताबों से निकाल लेता हो। चौथी शर्त, अकीदा बंदे दे पुत्रां वाला होए। अकीदा बंदे दे, जिदा अकीदा सही नहीं, वो बंदे दा पुत्र है ही नहीं, वो पता करे किदा। अकीदा बंदे दे पुत्रां वाला होए। चार शर्तें हैं। हुजूर दाता साहब से पूछा पीर पकड़े कि ना पकड़े, फरमाए पहले चेक कर लें। तो जो करो जरा जुमला बड़ा चास वाला जी, पहले चेक कर लें, जो चेक करके फड़ लिया ना तो फिर आए बाएं साएं दाएं ना करी, आए बाएं साएं दाएं ना करी। जब पीर पकड़ लिया है तो जो भी है आंखें बंद करके पीछे जा, आंखें बंद करके पीछे जा। वो पीर जिसका सिलसिला हुजूर तक है वो तुझे अली तक ले जाएगा, अली तुझे मुस्तफा तक ले जाएगा। ओ यार देखो खुदा दा वास्ता जो सुनियो मोड़ाओ, ओए मोड़ाओ, तेरी मेहरबानी आ वेखो मोड़ाओ। आप किड़े चक्करां च पै गए हैं, आप करन की लग पे हैं। ये वो ना आ अपने को एक इत्थे एक शहर है शरकपुर, आ शरकपुर दा शहनशाह। मुरीद कहिंदा जी मैं जाना है बाबा फरीद, आप कहन लगे ना जा, कहन लगा जी मैं जाना। आपने फरमाया ना जा मैं जाना जी। आपने फरमाया जे चला जाए ना तो दरबार से सलाम करके पिछे एक बाबा झाड़ियाँ च बैठा ही उन्होंने भी सलाम कह लें, एक बाबा पिछे झाड़ियाँ च बैठा ही उन्होंने भी सलाम कह लें। तो ये ना सलाम करके ना तो झाड़ियाँ वाले बाबे को जाके सलाम किया, बाबा जी ने जवाब दिता तो कहन लगे अपने पीर नूं भी कह दें। ये वापस आ गया, जब वापस आया ना उत्थे शरकपुर शरीफ आके कहन लगा बाबा जी सलाम तो मैं कह दिता, वो बाबा केड़ा जड़ा पिछे झाड़ियाँ च बैठा, वो बाबा केड़ा जड़ा झाड़ियाँ च बैठा। तो शरकपुर का शहनशाह शेर रबानी आप फरमाने लगे वो फरीद आप ही, वो फरीद आप ही। तो हजरत वो अंदर क्यों नहीं? फरमाया पूछ लेना सी, पूछ लेना सी अंदर क्यों नहीं। कि हजरत बताए ना वो अंदर क्यों नहीं? फरमाया लोगों ने हाल छड़े अंदर रहने वाला, लोगों ने हाल छड़े अंदर रहने वाला, भंग भी उत्थे ही ते सूटे भी उत्थे ही ते फलाना भी उत्थे ही ते टमकाना भी उत्थे ही। ओ उत्थे चलिए जरा फरीद कोल चलिए जी, मेरे ख्याल कहते रहन दियो जी। वो बंदे का हो गया विआह, विआह हो गया तो किबला जे 800 बच्चे ने मेरे जेन चो नहीं जान रहे। वो बंदे का हो गया विआह, तो जो विआह हो गया तो अपनी बीवी के कोल गया, तो जाके बीवी को कहता सलाम अर्जे, कहन लगी मैं आलमा फाजला आबिदा जाहदा तो तू बकरियाँ चारण वाला, दो सवाल कर लूँ? कहन लगे करो। का पहला सवाल है गुसल के फर्ज आते हैं? कहन लगी नहीं। वजू के फर्ज आते हैं? कहने लगा नहीं। नमाज के आते हैं? कहने लगा नहीं। कहने लगा अच्छा, तो फिर बीबी कहने लगी तेरी बीवी हाँ तू मेरा शोहर है, मैं ममलूक हाँ तू मालिक है,
रहना मैंने यहीं पे है, लेकिन ये सीख ले, तवज्जो फरमाना। मोटे तो रखिया साफा तो तुर पिया, जाके अब्बे नूं कहिंदा आपां जुलम कीता ही केड़ा, या तो मैनू भी कोई बकरियां वाली लिया देंदा तो या उन्होंने भी कोई आलम लिया के देंदा। इको जिहा कम तो हो जाता ना, इको जिहा कम हो जाता। ऐसी करी तो तू मामे की धी नाल विआह करना ही करना ही, मुंडा भावें एम बी होए, मुंडा भावें पी एच डी होए, तो कुड़ी भावें चिट्टी अनपढ़ हो, आप कर दी तो भावें बाद तलाक ही हो जाए। मोढ़े तो साफा रखिया चले गए जी। अब्बा जी कहन लगे पुत्र टेंशन ना लै, 7 दिन की रोटी बांध, ये सड़क जा रही है, मैं मुख्तसर करना चाह रहा हूँ, सड़क जा रही है, कहाँ जानी है, जहाँ ये सड़क जाके ख़त्म हो जाए एक दरबार आएगा, वो साडा पीर ही। 7 दिन की रोटी बांधी, चला गया, जब रोटी ख़त्म हुई ना, 7 दिन आ गए, 7वां दिन है, दरबार है, जिस दरबार पे पहुंचा दुनिया उसको पाक वतन शरीफ कहती थी। हजरत बाबा फरीदुद्दीन बैठे हैं, हजरत बाबा फरीदुद्दीन बैठे हैं, हजरत बाबा फरीदुद्दीन के पास जाके कहने लगा, बाबा जी मुरीद हाँ आपका जो जुमले लिखे हैं वो सुने, मजा आ जाएगा। किबला शाह साहब जाके ना हाथ रेवे करके कहने लगा, बाबा जी मुरीद होने, बाबा जी मुरीद होने। फरमाया पुत्र होएगा, बह जा, पुत्र होएगा, बह जा। वो बैठ गया, बेटा बोल, बीवी आलमा फासला आपदा जाहिदा है, आलिम बनना चाहता हूँ, जुमला सुनिएगा और अगर दिल करे तो सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। कहने लगा, बाबा जी या मिन्नू भी आलम बना दियो तो या ओदा भी ले लो, या ओदा भी ले लो तो जे हुंदा पीर मेरे तरह ना। कहने लगा, पुत्र मेरे ते पल्ले आप कुछ नहीं, तेनू की देना ओदा ही लेने हैं, ओदा ही लेने हैं। आगे थे फरीद, फरीद कहने लगे, बेटा लेना क्या है, हम लेने वाले नहीं, हम देने वाले हैं, हम देने वाले हैं। बाबा जी फिर कपुत्र 2 साल रहे आस्ताने पे, तुझे भी आलम बना देंगे। शाह जी 2 साल से बंदा हाफिज भी नहीं बनता। कहने लगा, जी 2 साल टाइम कोई नहीं, मेरा ब्याह हो गया। फरमाया 1 साल रह ले। कहने लगा, जी टाइम कोई नहीं, ब्याह हो गया। फरमाया 6 माह रह ले। कहने लगा, जी टाइम कोई नहीं, ब्याह हो गया। फरमाया 1 महीना तो रह ना। कहने लगा, जी बकरियां भुखियां मैं ते जाना, बकरियां चारदा ना, बकरियां भुखियां मैं ते जाना। फरीदुद्दीन के पास बैठे थे निजामुद्दीन, कहन लगे चांदा की है, चांदा की, हाथ जोड़ के कहना, जी अज आया तो अजय ही जाना, अज आया तो अजय ही जाना। जरा सुनियो फरीदी रंग सुनना, जरा अज आया तो अजय ही जाना। फरीदुद्दीन मुस्कुरा के कहन लगे, या जोर दी पढ़ी है, असर तक रहना क्यों भी कोई नहीं, असर तक रहना क्यों भी कोई नहीं। कहन लगा, जी तवज्जो करनी है। कहने लगा, जी औखा सौखा रह लेना, अब रखे सिर्फ चंद मिनट, अब रखे औखा सौखा रह लेना, जोर से असर तक रह लेना, तवज्जो फरमानी है। एक एक जुमला कीमती है। फरीदुद्दीन, आपने कहा निजामुद्दीन को, निजाम इन वजू करा, सदके जाइए जिन्होंने निजाम वजू कराए, जिन्होंने निजाम आप पुत्र पहला फर्ज या दूजा फर्ज या तीजा। मैंने एक जुमला कहना जिसके लिए बात शुरू कर बैठा हूं, एक जुमला कहना। निजामुद्दीन ने वजू करवाया, निजामुद्दीन ने वजू करवाया, वहां निजामुद्दीन है, अलाउद्दीन है, जमालुद्दीन है, फरीदुद्दीन है, पीछे कुतुबुद्दीन है, पीछे मुइनुद्दीन है, पता नहीं तुझे कितों समझना, दोबारा सुन, पहलो मुइनुद्दीन है, फिर कुतुबुद्दीन है, फिर फरीदुद्दीन है, फिर जमालुद्दीन है, मुइनुद्दीन, निजामुद्दीन है, अलाउद्दीन है, दीन दीन दीन, निसीरुद्दीन है, दीन दीन, पंग कितने नहीं आई, पंग कितने नहीं जी आई, दीन 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 दीन। निजामुद्दीन ने वजू करवाया, हजरत हुकम बनाओ सफे, तवज्जो फरमानी है। फरीदुद्दीन उठे मस्जिद के इमाम के पास जाके, अपनी मस्जिद के इमाम के पास जाके कहने लगे, अगर आप इजाजत दो तो आज असर की नमाज मैं पढ़ा लूं। ओए मौलवी, ओ कारी इधर आओ, ये साडा मिजाज है, ऐसी कहने फरीदुद्दीन का मिजाज,
अगर आप इजाजत दें तो असर की नमाज आज मैं पढ़ा लूं। सोने मसीह तेरी, मौलवी तेरा, मुसल्ला तेरा, पैसे तेरे, सब कुछ तेरा। इमाम हाथ जोड़ के कहते सोने ओदी किस्मत जड़ा तेरे पिछे पढ़ ले, ओदी किस्मत जड़ा पिछे पढ़ ले। अल्लाह अकबर, नमाज शुरू। चार रखते, चार रुकू, आठ सजदे, सलाम फिर गया। फरीद कहने लगे निजाम निजाम, तवज्जो फरमानी है निजाम जी। हुजूर हाजिर। फरमाया दे हिसाब। कहा जरा जड़े पहलिया सफा च बैठे सर,